हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सैमसंग मोबाइल में लगे हुए लॉक स्क्रीन पासवर्ड पिन पैटर्न को कैसे अनलॉक कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, अगर आपसे गलती से सैमसंग का फ़ोन लॉक हो चुका है और आप अपने फ़ोन में कोशिश कर रहे हो अनलॉक के लिए रॉन्ग पासवर्ड यूज कर रहे हो, फिर भी आपका हैंडसेट अनलॉक नहीं हो पा रहा है और आपका पासवर्ड इनकरेक्ट बताया जा रहा है, तो फ्रेंड बिना पैसा वेस्ट किए और बिना डाटा डिलीट किए कैसे सैमसंग में लगे हुए लॉक स्क्रीन पासवर्ड पिन पैटर्न को कैसे अनलॉक कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में आपको मैं लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक वॉचिंग कीजिएगा एंड लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको मैं सारे डिटेल्स अच्छे से बता पाऊँ। फ्रेंड यहाँ पे हमें अनलॉकिंग के दौरान कोई भी तरह का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पीसी लैपटॉप या कोई भी एप्लीकेशन या टूल्स यूज नहीं करने वाले हैं। आपको लाइव दिखाएंगे कि कैसे सैमसंग मोबाइल का लॉक को तोड़ा जाता है और आप घर बैठे ये ट्रिक सीख सकते हो। तो चलिए बिना देर के मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो पे आप सभी नए हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि ऐसे ऐसे न्यू वीडियोज एंड न्यू ट्रिक्स एंड टिप्स यूट्यूब पर मैं अक्सर आप सभी के लिए मैं हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड हमें सबसे पहले अपने फ़ोन को अनलॉक करने से पहले ऑफलाइन मोड में रखना होगा। जी हाँ फ्रेंड, अगर आपके फ़ोन में सिम कार्ड लगा हो तो सिम कार्ड निकाल लीजिएगा, नहीं तो आप एयरप्लेन मोड के ऑप्शन को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड देन आपको लॉक स्क्रीन पेज पे आ जाना है। आपके लॉक स्क्रीन में पिन लॉक हो, पैटर्न हो, पासवर्ड हो, फिंगरप्रिंट हो या कोई भी फेस लॉक हो, लॉक लगा हुआ है तो अनलॉक के लिए सबसे पहले नीचे में एक इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन दिखेगा। आपको इमरजेंसी कॉल के ऑप्शन को ओपन कर लीजिएगा और डायल पैड को ओपन कर लीजिएगा। अब आपको यहाँ पे FRP अनलॉकिंग कोड दिया जाएगा, नवंबर सीजन का न्यू लेटेस्ट कोड है, ठीक है। FRP कोड से आप कोई भी सैमसंग में लगे हुए लॉक स्क्रीन को अनलॉक कर सकते हो। आपके पास कोई भी सैमसंग का अगर मॉडल है लॉक लगा हुआ है तो मात्र FRP कोड से अनलॉक कर सकते हो। करना है क्या, मैं अपने फ़ोन में एक FRP कोड को डायल करूँगा, आप लोग अपने फ़ोन में कॉपी कर लीजिएगा। *#8555#0*#1811#, इस कोड को आपको अपने फ़ोन में कॉपी करना है, ठीक है। और इस कोड को हमें एक्टिवेट करना है सर्विस सेंटर से। पर सर्विस सेंटर से एक्टिवेट करते ही आपका सैमसंग का हैंडसेट अनलॉक हो जाएगा। करना है क्या, नीचे में कॉल का ऑप्शन है, आप कॉल पे क्लिक कीजिएगा तो आपके स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ परमिशन में ओके कर लेना है और इस कोड को इरेज कर लेना है, यानी कि हटा लेना है। फिर हमें यहाँ पे सेकेंड कोड अप्लाई करना है, डाटा रिकवर कोड। अगर आपके फ़ोन में कोई भी तरह का इमेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, फाइल, कॉन्टैक्ट नंबर, जीमेल या कोई भी एप्लीकेशन मौजूद है जिन्हें आपको रिकवर करना है, डिलीट नहीं करना है, तो मैं कोड दे रहा हूँ, उस कोड से आप डाटा को भी रिकवर कर सकते हो। करना है क्या, *#8811#*0#8999#*#0 इस कोड को आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। अप्लाई कर लेने के बाद इस कोड को आपको एक्टिवेट करना है फिर से सर्विस सेंटर से। कॉल पे आप क्लिक कीजिएगा, आपके स्क्रीन पे फिर से एक नोटिफिकेशन आएगा, फिर से ओके पे प्रेस करके इस कोड को इरेज कर लेना है और होम पेज पे वापस आ जाना है। लॉक स्क्रीन पेज को फिर से आपको अगेन ओपन करना होगा और फिर से इमरजेंसी कॉल के ऑप्शन को ओपन करके डायल पैड को ओपन करना होगा। अब आपको यहाँ पे हार्ड रीसेट कोड दिया जाएगा, *#8111#, बस इस दो को एक लिखिएगा, ठीक है, 11, ठीक है। और इस कोड को हैश लगाकर सेलेक्ट कर लीजिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा, कॉल कट कॉपी शेयर एंड देन थ्री डॉट का ऑप्शन आएगा,
थ्री डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, मैसेज का ऑप्शन दिखेगा, मैसेज के ऑप्शन को क्लिक कर लेना है और आपके सामने एक मैसेज बॉक्स ओपन हो जाएगा। बस आपको होम बटन क्लिक करना है, आपका सैमसंग का एंड्रॉयड स्मार्टफोन घर बैठे ही अनलॉक हो जाएगा बिना डाटा डिलीट किए और बिना पैसा वेस्ट किए। आई होप ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।